नवरात्रि के दिनों में हर कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, लेकिन बुंदेलखंड की कुंवारी लड़कियाँ राक्षस की पूजा करती हैं। जी हाँ, यहाँ की लड़कियाँ पूरे 9 दिन दानव की पूजा करती हैं। इस पूजा में शादीशुदा महिलाएं कुंवारी लड़कियों का सहयोग भी करती हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की मान्यता, आइए जानते हैं। एक राक्षस था, तो उसने मतलब पहले प्राचीन समय में लड़कियों को कैद करके रखा था और वो अपनी पूजा कराता था। तो फिर उसका मतलब निधन हो गया, तो वो लड़कियों को परेशान करने लगा, तो फिर लड़कियों ने उसकी पूजा करना चालू कर दी। बुंदेलखंड में होने वाली दैत्य की पूजा को सुवाटा कहा जाता है। जब सुवाटा की पूजा होती है तो कुंवारी लड़कियों के साथ साथ महिलाएं भी गाना गाती हैं। जब मोहल्ले में लोकगीत की आवाज़ सुनाई देती है तो घर में बैठे लोग भी इसका आनंद उठाते हैं। हमारी ये बुंदेलखंड की एक परंपरा है, इसमें एक राक्षस की पूजा की जाती है 9 देवियों में। ये पूरे 9 दिन सुबह 4 बजे उठ के लड़कियाँ ये पूजा करती हैं, इसमें रंगोली बनाती हैं। लड़कियाँ फूलों से मामूलियाँ सजाती हैं। पूरे दिशा में पड़ने वाली दीवार पर सुवाटा का गोबर से चित्र बनाया जाता है। हर रोज इसमें एक आयत की वृद्धि होती है, साथ ही सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ और नदी जैसे चित्र भी बनाए जाते हैं। जब खेल खत्म होता है तो इसे तालाब या नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। सुवाटा बुंदेलखंड का एक ट्रेडिशनल गेम है, जिसमें कुंवारी लड़कियां दैत्य की पूजा करती हैं। उस दैत्य की पूजा जिसको भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। रामनरेश यादव, ETV भारत, झांसी। जो सर्वाधिक प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार श्रीमद् भगवत कथा में नरकासुर राक्षस का उल्लेख है, जो अपनी कैद में हजारों की संख्या में कुंवारी लड़कियां रखता था। उन लड़कियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया था। मरने से पहले भगवान ने उसे वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा सुवाटा नाम से होगी। तब से चली आ रही ये परंपरा बुंदेलखंड में आज भी निभाई जा रही है।